लिखित में रिक्वेस्ट कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फसल जी। वेरी ब्रीफ। मान्यवर, दिल्ली से सहारनपुर तक एक फोर लेन हाईवे का निर्माण जारी है जो पिछले कई सालों से जारी है, लेकिन उसका काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है। मान्यवर, उसमें जो कंपनी काम चला रही है उसके बारे में भी कुछ सवालात अखबारात में आए हैं, तो उसका आप संज्ञान लें ताकि वो कार्य बहुत जल्दी पूरा हो सके। लेकिन इसके साथ साथ मंत्री महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर इस हाईवे को, चलिए कोई बात नहीं, हमारा मकसद तो यह है कि हाईवे कंप्लीट हो जाए। मैं इस बारे में एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ माता शाकुंभर देवी का मंदिर है और ये हाईवे सहारनपुर तक बन रहा है। आपने भी 2018 में एक फोर लेन बनवाने का वादा किया था। हम ये चाहते हैं कि माता शाकुंभर देवी तक सहारनपुर से ये हाईवे बनवा दिया जाए तो लोगों को जो दर्शन करने के लिए आते हैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। मान्यवर, इसके अलावा शाकुंभर देवी और देहरादून जो कैपिटल है उत्तराखंड की, उसके बीच में एक गांव माजरा पड़ता है जो कि शाकुंभर देवी मंदिर से कुल 7 किलोमीटर दूरी पर है। अगर आप एक रोड माता शाकुंभर देवी से और वहां तक बनवा दें तो आसानी से देहरादून के लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, और मैं समझता हूं कि 40 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा। इसी सिलसिले में सहारनपुर से देहरादून जाते हुए मोहन की पहाड़ियों में एक पुराना लोहे का पुल बना हुआ है जो तकरीबन 20 मीटर लंबा है, लेकिन उसकी चौड़ाई बहुत कम है, पुराना भी है। उसकी वजह से अमूमन काफ़ी लंबा जाम लगता है। हालांकि वहां आपने एक हाईवे बनाने का प्रस्ताव दिया है, उस पर काम भी शुरू हो गया है, लेकिन जब तक वो मुकम्मल हो, इस पुल को अगर थोड़ा चौड़ा करा दिया जाए तो आने जाने के लिए आसानी रहेगी और ये जाम लगना बंद हो जाएगा। इसी तरीके से मान्यवर, सहारनपुर से यमुनोर तक आपने वाया विकास नगर एक हाईवे का ऐलान किया था, उस पर अगर उसका निर्माण कार्य शुरू जल्दी से हो जाए तो हम सब लोग आपसे आभारी रहेंगे। एक आखिरी पॉइंट हरियाणा के करनाल से हरिद्वार रुड़की हाईवे को जोड़ने के लिए अगर आप गंगो से होते हुए वाया ननौता देवबंद और मंगलौर के बीच में एक हाईवे बनवा दें तो मैं समझता हूँ तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर हरिद्वार का रास्ता करनाल से कम हो जाएगा, जो कि अति आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मुझे केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए